इस लेक्चर में हम मूव और कॉपी करना सीखेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव और कॉपी कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास मूव कमांड दी हुई है। जब हम इनको क्लिक करेंगे तो ये मूव कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो जैसा ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये मूव कमांड में एक्टिव हो गई। आपके पास y, एक्स वाई जेड जो ये हमारी पोजीशन है, इसको हम पोजीशन कहलाते हैं। x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन। जब भी हम x डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे तो ये x डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और y डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये y डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ओके, तो आप एक्स वाई जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। ठीक, आपको ये छोटी सी जो चीज़ दिख रही है अभी, ये वाई एक्स डायरेक्शन में मूव होगा। ओके, ये जेड एक्स मूव होगा। तो इसको हम ऐसे ही मूव करते हैं। आप इस कमांड से बाहर आकर अगेन इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मूव का ऑप्शन होगा। आप इसे क्लिक करें फिर भी आप इसे मूव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम इसी ऑब्जेक्ट की कॉपी लेंगे। मूव कमांड को एक्टिव रखकर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करें, उसके बाद वाई या एक्स डायरेक्शन में आप इन्हें ड्रे करें। जैसा ही ड्रे करेंगे शिफ्ट और माउस का बटन आप छोड़ दें तो उसके बाद आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे लिखा है कॉपी, नंबर ऑफ कॉपीज, आप कितनी इसकी कॉपी लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको नंबर डालने पड़ेंगे। ओके, सपोज़ मैंने 4 नंबर डाला और इसको ओके किया, तो ये देखो उसकी कॉपीज 4 कॉपीज और हो गई। ठीक, मैं अगेन इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे इसको ड्रैग किया। ओके, तो मैं इसकी 4 और कॉपी लेना चाहता हूँ तो मैंने इसको क्लिक किया। ओके, ये हमारी कॉपी हो गई। इसको अल्टर डब्ल्यू किया और फुल स्क्रीन किया। अब मैं इसकी मज़ीद और 5 कॉपीज लेना चाहता हूँ। मैंने इसको शिफ्ट प्रेस किया और क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसको नंबर देता हूँ 3। अच्छा, 3 नंबर लेके और इसको मैं कर देता हूँ इंस्टेंस। कॉपी और इंस्टेंस में क्या फ़र्क है आपको मैं ये बताऊँगा। ओके करके यहाँ पे देखो सेम उसी तरह ही कॉपी हो गई। ओके, मैं इसको अल्ट डब्ल्यू प्रेस करके छोटे स्क्रीन करके प्रस्पेक्टिव को बड़ा करेंगे, अल्टर डब्ल्यू। अच्छा, ये जो मैंने कॉपी ली थी, सिर्फ मैंने इसको कॉपी ली थी। ओके, और ये जो मैंने 3 ली हैं ये कॉपी इंस्टेंस से लेके थी, तो मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। इसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके ये मॉडिफायर पर जाके यहाँ पर इसकी रेडियस बढ़ा सकता हूँ। ठीक, देन जब
जैसा हमने ये जो तीनों हमने इसको कॉपी किए थे इंस्टेंस, उसका ये मतलब है आप इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर और इसे मॉडिफाई करेंगे और इसकी रेडियस बढ़ाएंगे तो ये चारों की चार बढ़ेंगी रेडियस। ओके, एक सिर्फ एक को मॉडिफाई करेंगे तो ये चार ऑटोमेटिकली इसकी जो हाइट विड्थ सेम बढ़ेगी। तो इंस्टेंस का यही मतलब होता है, आप किसी भी जितनी आपने कॉपीज ली थी चार पांच, उनमें से आप किसी भी एक को सिलेक्ट करेंगे या उनको मॉडिफाई करेंगे तो वो चार पांच ही मॉडिफाई होंगे। जबकि हम आप सिर्फ कॉपी लोगे और उससे आप मॉडिफाई करेंगे तो वो सिर्फ एक ही मॉडिफाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने मूविंग और कॉपी करना सीखा था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रोटेट करना सीखेंगे। और आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचें।